नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आज गेहूं के दामों पर बात करते हैं। गेहूं के दामों में जो उछाल जा रही है, त्योहारों से पहले जो गेहूं का गणित उलझा हुआ है, और सरकारी गणित के बाद भी सॉरी सरकारी नियंत्रण के बाद भी गेहूं के दाम जो नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उससे किसानों के लिए क्या मैसेज है, इस पर बात करते हैं। श्राद्ध पक्ष समापन की ओर है, नवरात्रि शुरू होने को है, उसके बाद अक्टूबर के आखिरी महीने दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। दीपावली के बाद नवंबर से देश में शादियों का सीजन शुरू होना है। कुल जमा अब से दिसंबर तक देश में त्योहारों की धूम रहनी है, लेकिन त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही देश में गेहूं का गणित उलझ गया है। आलम यह है कि श्राद्ध पक्ष में ही गेहूं के दाम उछाल मार चुके हैं। माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन में गेहूं की चाल बदल सकती है। आज की बात इसी पर जानेंगे कि त्योहारी सीजन से पहले गेहूं के दामों में उछाल की कहानी क्या है, साथ ही जानेंगे कि त्योहारी सीजन में गेहूं की अनुमानित चाल और किसानों के लिए इसके क्या संदेश हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा वक्त में जो गेहूं के दाम है। श्राद्ध पक्ष में ही गेहूं के दामों में उछाल जारी है। कुल जमा देश में गेहूं के उलझे हुए गणित को देखें तो समझा जा सकता है कि सरकारी नियंत्रण के बाद भी गेहूं के दामों में बढ़ोतरी जारी है। असल में केंद्र सरकार ने अप्रोक्ष रूप से गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई हुई है। व्यापारियों को नियमित रूप से सरकार को गेहूं के स्टॉक की जानकारी देनी होती है। उसके बावजूद भी 2 महीनों में गेहूं के दाम 200 से 300 रुपए क्विंटल से अधिक बढ़े हैं। उसके बाद मौजूदा समय में दिल्ली की थोक मंडी में गेहूं के दाम 3100 रुपए क्विंटल पार कर गए हैं। अब जब 3100 रुपए क्विंटल गेहूं के दाम पार कर गए हैं तो त्योहार में क्या गेहूं की चाल होगी, इस पर बात करते हैं। गेहूं के दामों में भारी उछाल और अभी और करवट ले सकते हैं। माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन में गेहूं की मांग में बढ़ोतरी होगी, इससे बाजार में गेहूं के बाजार में दबाव बनेगा, दामों में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली फ्लोर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारी राजीव गोयल बताते हैं कि अगर बाजार में गेहूं की आवक नहीं बढ़ी तो दीपावली तक गेहूं के दाम 3500 रुपए क्विंटल पार कर जाएंगे। इसी तरह के हालात अगर शादी के सीजन में भी रहते हैं तो गेहूं के दाम 4000 रुपए क्विंटल पार कर जाएंगे, क्योंकि गेहूं की नई आवक आने में अभी समय है। और ऐसे में अगर गेहूं की यही स्थिति रहती है कि तो गेहूं के दाम देश में अपने सर्वकालिक स्तर पर होंगे नॉर्थ इंडिया में। अब गेहूं के दामों में नियंत्रण के लिए क्या उम्मीदें हैं, बाजार को OMSS का इंतजार है। दिल्ली फ्लोर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारी राजीव गोयल बताते हैं कि गेहूं के दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी OMSS के जरिए गेहूं बेचना चाहिए। गोयल कहते हैं कि सरकार अगर OMSS के जरिए गेहूं एक निश्चित दाम में बाजार में बेचती है तो इससे गेहूं के दामों में भारी जारी उछाल पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। वो कहते हैं कि नई फसल आने में अभी भी पूरे 6 महीने हैं, ऐसे में पूरे साल गेहूं के दामों में नियंत्रण के लिए कम से कम 100 लाख टन गेहूं OMSS के जरिए बाजार में उतारने की जरूरत है। किसानों के लिए क्या मैसेज है, गेहूं कुल कुल मिलाकर देश के अंदर गेहूं के गणित उलझा हुआ दिखाई पड़ता है। अब सिनेरियो में अगर देखें तो किसानों के लिए क्या मैसेज है, उस पर बात करते हैं, जिसमें अगर समझें तो किसानों के लिए ये बाजार का फायदा उठाने का समय है। गेहूं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, आने वाले त्योहारी सीजन में भी गेहूं के दामों में और तेजी आने की उम्मीद है। कुल जमा जिन भी किसानों के पास स्टॉक में गेहूं रखा हुआ है उनके लिए ये बाजार का फायदा उठाने का समय है। वह उस वक्त बाजार की चाल देखकर गेहूं बेच सकते हैं। बेशक ऐसी पूरी संभावनाएं हैं कि सरकार OMSS के जरिए गेहूं बाजार में उतार सकती है, लेकिन ऐसी भी पूरी संभावनाएं हैं कि OMSS के जरिए बाजार में उतारा गया गेहूं लंबे समय तक गेहूं के दामों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इसके पीछे का मुख्य कारण गेहूं का सरकारी स्टॉक है। गेहूं के सरकारी स्टॉक की बात करें तो 1 अप्रैल को देश के पास तकरीबन 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं था, जो बफर स्टॉक से थोड़ा सा अधिक था। वहीं इस साल 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है। अगर इन्हें जोड़े तो 340 लाख मीट्रिक टन गेहूं का स्टॉक सरकार के पास सरकारी खरीद खत्म होने के बाद था। वहीं सरकारी राशन में वितरण के लिए 185 लाख मीट्रिक टन गेहूं अलग रखा जाना है। उसके बाद सरकार के पास 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं का स्टॉक अतिरिक्त है। ऐसे में 155 लाख मीट्रिक टन गेहूं का स्टॉक अतिरिक्त है। ऐसे में OMSS के जरिए खुले बाजार में गेहूं पिछले साल की तरह आना संभव नहीं दिखाई दे रहा। अगर आएगा भी तो बहुत लिमिटेड गेहूं खुले बाजार में आएगा, और वो कितने समय तक गेहूं के दामों को नियंत्रित कर पाएगा,
ये अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गेहूं की नई फसल आने में अभी पूरे पूरे 6 महीने बाकी हैं। सरकार के पास अगर हम लोग बात करें 155 लाख मीट्रिक टन ये गेहूं है, ओएमएसएस के जरिए कितना बेचा जाएगा, इसके साथ साथ ही 75 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं है वो बफर स्टॉक ले भी रखना है। तो ये अपने आप में गेहूं का उलझावा गणित बताता है कि गेहूं के दामों में सरकारी नियंत्रण के बावजूद भी आने वाले समय में स्वाभाविक तौर पर अगर बड़ी संख्या में गेहूं इम्पोर्ट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गेहूं के दाम में तेजी ही देखने को मिल सकती है। तो ये कुल जमा कोशिश थी, आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी के जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।